प्यारा साथियों नमस्कार, फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है चैतन्य स्टडी में। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो 5 जुलाई को होगा, और इस संबंध में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप में कल जगह जगह शेयर की गई थी पोस्ट कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो 5 जुलाई को होगा। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो 5 जुलाई को होगा, ठीक है, 5 जुलाई को ही होगा। अब हालांकि सीबीएसई की तरफ से अभी इस संबंध में कोई भी ये सूचना नहीं आई है कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल होगा अथवा उसकी जो डेट है वो आगे बढ़ाई जाएगी, ठीक है, या फिर जो आने वाला सीटेट है दिसंबर महीने का उसके आसपास जाकर के सीटेट का एग्ज़ाम हो। बहुत सी तरह तरह की बातें थी जो आप सभी लोगों ने जो है सुनी होंगी। तो हालांकि अभी जो सीटेट का जो नोटिफिकेशन था, उस नोटिफिकेशन में हमने अपने जब आवेदन किया था सीटेट का, तो सीटेट का आवेदन करते समय जो हमारी एग्ज़ाम की डेट बताई गई थी वो 5 जुलाई बताई गई थी, और जो हमारा एडमिट कार्ड की जो डेट बताई गई थी टेंटेटिव डेट वो जून के 3rd सप्ताह में बताई गई थी। अब अभी तक ना तो एडमिट कार्ड की कोई खबर है और ना ही एग्ज़ाम को लेकर कोई खबर है। तो ऐसे में दोस्तों, तो ऐसे में अब जो स्थिति है उससे आप सभी उस स्थिति से वाकिफ़ हैं कि हर राज्य की अपनी अलग अलग स्थिति है, और ऐसे में सभी एक साथ अपनी परीक्षा नहीं करा सकते पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि फ़िलहाल में आप अपनी जो भी तैयारी है इस मन से करते रहिए कि जैसे कि एग्ज़ाम आपका 5 जुलाई को है। हालांकि इससे संबंधित अगर कोई और सूचना आती है तो वो हम आपको बता देंगे चैनल के माध्यम से, लेकिन हाँ, जो 5 जुलाई का जो एग्ज़ाम है, जो नोटिफिकेशन है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि क्या है वो नोटिफिकेशन, ठीक है। ये है डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन 5 जुलाई 2020, और ये है डाउनलोड एडमिट कार्ड यानी कि 3rd वीक ऑफ जून, ये टेंटेटिव डेट है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन पेपर 1 की है, पेपर 2 की है। दोस्तों, ये जो PDF है, आप चाहें तो सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जाकर के आप इसको देख सकते हैं और इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और अगर सीटेट से रिलेटेड कोई और अगर खबर आती है सच्ची और अच्छी तो हम आपको ज़रूर सूचित करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।